बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे, अरबी पढ़ने भी जा रहे, आप यहाँ की फिक्र नको करो। हर 8 दिन में फोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो। ऐसा 2 2 साल आप लोग बाहर रहे तो हमारा कैसा गुजरता होगा, आप लोगों का क्या है, फॉरेन कंट्रीज में रहते कैसा भी गुजार लेते, हमारा भी सोचना। हर कोई आने वाले रहे तो उनके हाथ से बच्चों के वास्ते कपड़े भिजाओ और मेरे वास्ते साड़ी भिजाओ। और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने नको दो, लड़ाया झगड़े चल रहे घर में, पहले तुम्हारे अम्मा लोगों के सामने बोल लेते फिर रही, मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही, इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खा रहा रसो नहीं बोल रही। और मैं तुम्हारा कितने बार बोली कोई भी चीज भिजाए तो उसके ऊपर निशानी डाल के भिजाओ बोल के, इससे पहले तुम हरे बॉर्डर की साड़ी भिजाए थे, तुम्हारे अम्मा क्या करे मालूम, उठा के तुम्हारी बड़ी बहन को दे दिए, मेरा जान धस बोल के मार लिया। मेरे अच्छे शौहर कहते मेरे वास्ते एक लाल बॉर्डर की साड़ी भिजाओ और उसके ऊपर निशानी डाल के भिजाओ, मैं समझ जाती हूँ कि मेरे वास्ते भिजाओ बोल के। हाँ कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस भी वहां से ही भिजाओ, और कलर अच्छी तरीके से याद रखो, उदय कलर का पैंट है और आसमानी कलर का शर्ट है, देखो ये उजाल स्कूलों वालों को क्या हो गया, इतने भुस्से भुस्से किताबा लिख रहे, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा, बच्चे लंबे होने के गिड्डे हो जा रहे, झुक जा रहे अलग। बच्चा आके बोल रहा है जी अम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ, उन्हें 5th में है, अब 6th में गया था, तुम इससे पहले बाहर से आए तो आते वक्त सूटकेस लाए नहीं, वो देना पड़ता, नहीं तो एक ऑटो ट्राली दिला देना, सोच रही मैं। बच्ची आके बोल रही है जी अम्मी टीचर 5 रुपए मंगा रही, बच्चा आके बोल रहा है जी अम्मी सर 10 रुपए मंगा रही, कई कूरे बोले तो सर के घर में चुना डाल रही कहते। अई मैं बोली ये उजाल स्कूलों वालों का क्या दिमाग खराब हो गया, पूरे काम बच्चों के पैसों से कराते कि क्या है कि। खैर आप यहाँ की फिक्र नको करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बाबा के घुटनों का दर्द वैसी छह, डॉक्टर उनको ज्यादा सोचो करो नको बोला, आप भी ज्यादा सोचो करो नको, अपनी सेहत का ख्याल रखो, बराबर टाइम पे ड्यूटी को जाया करो, टाइम पे सो जाया करो। यहाँ पे आप वो झंडे के चबूतरे पे बुड्ढों के साथ बकवा कर लेते, रात भर बैठे हुए रहते थे, बस वहाँ नको बैठो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। परसों फुप्पू आए थे, बोल रही बच्चा सलाम नहीं लिख रहा, बच्चा सलाम नहीं लिख रहा बोल रही, तो मैं भी क्या करी, तुम्हारा पूरा आना खत निकाल के बता डाली, उनको कौन सा पढ़ने आता बोल के। अच्छा तुम परसों रमजान की ईद को नहीं थे, ईद हुए जैसे नहीं दिखा मेरे को, चांद रात के दिन इतना रोना आया मेरे को, इतना रोना आया, ईद के चांद को देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, ईद के चांद को देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, अल्लाह मिया अल्लाह मिया ईद का चांद नजर आ गया, मेरा चांद कब नजर आता कि क्या है कि। इतना वसा शीर खुरमा बना है, पीना ही दिल ने बोला, कपड़े पहनना ही दिल ने बोला। हाँ कपड़े बोले तो याद आया, वो तुम्हारा उजार वलीमे का कोट अलमारी खोलते ही सामने लटक रहा, वो कोट को देखते जाती हूँ रोते जाती हूँ, वो कोट को देखते जाती हूँ रोते जाती हूँ। कितना अच्छा दिख रहा था, तुम लाल टाई बन ले के बैठे हुए है, सब दोस्त आते जा रही, फूलों के हारा पिनाते जा रही। हाँ जान दो फॉरेन कंट्रीज में है आप, सब बाता बोल के कहीं को परेशान करना बोल के नहीं बोल रही थी भाई। खर परसों फोटो आए आपके, आपकी हालत ऐसी कहीं को हो गई, वो फोटो देख के मेरे को फिक्र हो गई ना। और आप लोगों को वो फोटो खिंचाने के वास्ते खाली कारे मिलते क्या, जब देखो जब कार के सामने तो भी खड़े होके फोटो लेते हैं, कार के बाजू खड़े होके तो भी फोटो लेते हैं। वो लाल कलर की कार अच्छी है या लालो अपने को चलाने के वास्ते काम में आता, खैर अपनी नहीं है तो कोई बात नहीं। परसों अपना छोटा बच्चा रो रहा था, पकाने नहीं दे रहा था मेरे को, तो मैं क्या करी, ले रहे पापा के फोटो तो भी देख लेते बैठ बोल के, एल्बम निकाल के दी, तो फोटो देख के बोल रहा है जी अम्मी ये तालू छट कौन है, बोल रहा तुम्हारा पहचान रही नहीं। तो मैं मुनिया पा से पूछी, अजी मुनिया पा इन जाते वक्त तो अच्छे खासे थे, ऐसे तालू छट कहीं को हो गए, तो मुनिया पा बोल रही आगे वहां का पानी खारा रहता, आदमी बुढ़ा हो जाता नहीं तो तालू छट हो जाता कहते, खारा पानी बोलते मेरे को है वो शुरू हो गई, तुम यहाँ के जैसा रोज नहाओ नको, महीने में 20 दिन में एक आधो खत नहा लो, नहीं तो हैसन ऐसा तालू के वाला चल जाएंगे, लोग बोलेंगे आई अच्छा खासा जाके गंजा होके आया बोलेंगे। आप यहाँ की फिक्र नको करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और ज्यादा से ज्यादा पैसे भिजाने की कोशिश करो। 1000 रुपए भिजा के आप पैसे भिजाया बोलते, यहाँ आके देखे तो मालूम होता दुनिया की गिरानी बढ़ गई, घर चलाए तो मालूम होता। खैर आप यहाँ की फिक्र नको करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं आपको, जल्दी आने की कोशिश करो। आपके वो नगीना होटल के दोस्त अब्दुल अलीम नहीं, उन्हें दीवान खाने में बैठे हुए है, उनके जहाज का टाइम हो रहा कहते, इसलिए मैं जल्दी में थी कुछ भी नहीं लिखी, बाद में तफसील से लिखती हूँ। अल्लाह हाफिज।